Hello students, good morning and welcome back to Standard 7th. We are in chapter number 6 and ये जो chapter की आखिरी exercise 6.5 उसका मैं आज video भेज रहा हूँ. अब बच्चों ये जो triangles and its properties है उसका बहुत ही important part है, क्योंकि अगर आपको ये part अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप आगे 8, 9, 10th में जो ये base है उसका वो अच्छी तरह समझ रहे. तो ये जो exercise है वो Pythagoras theorem पर है. आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा. पाइथागोरस एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और उसने राइट एंगल ट्राइंगल पर बहुत ज़बरदस्त काम किया था. उसने राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ा और उस ट्राइंगल के ऊपर उसने बहुत बहुत ज़बरदस्त लोगों कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जिनसे प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को वो बहुत काम आया. इसलिए लोग आज भी पाइथागोरस को बहुत याद करते हैं. वास्तव में पाइथागोरस का कहना यह है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का मेजरमेंट आपको पता है तो आप तीसरी साइड का मेजरमेंट बिना मेजर किए निकाल सकते हो. ये उनका कहना है. तो उसके बेस पर पाइथागोरस थ्योरम है. किसी भी दो साइड राइट एंगल में अगर आपको किसी भी दो साइड का मेजरमेंट पता है तो तीसरी साइड का मेजरमेंट आप उसको मेजर किए बिना निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा ट्राइंगल क्यों ना हो. और मैं आपको बताऊं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग है. आप पुल कंस्ट्रक्ट करो, नदी के ऊपर जो पुल होता है, राइट, ब्रिजेस, उसके पिलर्स हमेशा राइट एंगल पर होते हैं, देखो, तो वो मजबूत बनता है. तो पाइथागोरस ने उसके ऊपर काम किया. तो देखो राइट एंगल बनाएगा नीचे इस तरह. ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था. इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हम चर्चा करेंगे कभी कोई वीडियो में. लेकिन फिलहाल मैंने उस राइट एंगल ट्राइंगल को उसने इसलिए पकड़ा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है. राइट एंगल ट्राइंगल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जगह पर है और ये थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और लोग बहुत मशहूर हुआ क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आया यह थ्योरम. एनीवे, अभी तो हम स्टैंडर्ड 7th के लेवल से सोचते हैं और इस वीडियो द्वारा मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का थर्ड साइड कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ. तो उसमें पहले एक थ्योरम समझाता हूँ, फिर एक सम किया है क्वेश्चन नंबर 3 का वो समझा रहा हूँ, तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. आप मान लो ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक याद रखना कि जो 90 डिग्री बनाता है, ये देखो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा राइट एंगल में. जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन होती है, वहाँ से वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा. देख लेना कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ये आपको पता है क्योंकि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी ये सीखा है. उसकी ऑपोजिट साइड जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड होती है ना, वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है. सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज साइड होती है, मतलब उनका मेजरमेंट किसी भी तीनों साइड से बड़ा ही होता है. समझ गए, हमेशा बड़ा ही होता है. तो क्या हमें क्या करना है कि उसने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला दी थी जिससे हम तीसरी साइड का मेजरमेंट निकाल सकते. सपोज इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC. तो एक हमेशा ध्यान रखो कि आपकी जो बड़ी साइड होती है ना ABC में हाइपोटेन्यूज साइड, उसको हमेशा LHS साइड रखो. यहाँ पे नाम दिया है ना AC, तो AC आपकी हाइपोटेन्यूज साइड है, तो उसको LHS साइड फिर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर. मतलब इसका कहना है कि ये साइड का स्क्वायर बराबर ये साइड का स्क्वायर का टोटल करो तो ये साइड का स्क्वायर ही बनता है हमेशा, तो मेजरमेंट मिल जाएगा. स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड. दिस इज वॉट पाइथागोरस वांटेड टू टेल. तो फिर तीसरी साइड का मैं तो मेजर निकल सकता हूँ, जैसे कि इनका स्क्वायर हुआ, इनका स्क्वायर हुआ, उन दोनों का टोटल किया, जो भी आंसर आया उसका रूट निकाल दो, तो थर्ड साइड का मेजरमेंट. ओके, ध्यान क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज साइड को LHS साइड रखना है, फिर इज इक्वल टू करना है, बाकी की दो साइड को प्लस में ले लेना. ओके, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम को इस तरह से जाना जाता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर आपने ABC नाम दिया है तो. समझ गए, अगर आपने ABC, अगर यहाँ PQR दिया है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट एवर इट इज. समझ गए,
तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो हाइपोटेन्यूज साइड हो गई, अब उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकली इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझाऊं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझाया था, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, जिसमें देखो एक वॉल है, वॉल दीवार प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आता है। देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए चुना है। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में 6.5 एक्सरसाइज में, 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का सम। तो वॉल के यहाँ पे एक विंडो है और वहाँ पे एक लेडर रखी है। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड है, ये वॉल है, यहाँ लेडर है, तो ये लेडर है वो, यहाँ पे वॉल और ये जो नीचे का ग्राउंड है वो 90 डिग्री बनाता है, उसका ऑपोजिट मतलब ये लेडर हाइपोटेन्यूस हो गई। लेडर इज हाइपोटेन्यूस, इट इज हाइपोटेन्यूस। वॉल की लेंथ हुई है 12 मीटर और ये जो नीचे का ग्राउंड का लेवल है जहाँ से ये सीढ़ी रखी हुई है वो, उसको हमें ढूंढना है, वो उसको ए रखा है और हाइपोटेन्यूस का साइड भी दे दिया है 15 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थर्ड साइड, तो ये हो गया ना ट्राइंगल, यही मैंने समझाया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये हाइपोटेन्यूस साइड, ये एक साइड और ये बेस की साइड, तो मैं ABC भी नाम दे सकता हूँ, ओके। लेकिन मैंने कहा ना कि हाइपोटेन्यूस साइड ना दो तो भी सम सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने इसको ABC है हाइपोटेन्यूस, तो मैंने हाइपोटेन्यूस को LHS साइड रखा, देखो तो उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ AC, मानो कि ये मेरा AC है, चलो नाम दे दो AC तो भी चलेगा, तो मेरा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या है, तो 15 मीटर दिया है, तो मैंने लिखा 15 इज इक्वल टू मेरा AB 12, तो ये 12 प्लस BC लिखूंगा, यहाँ A दिया है इसलिए मैंने यहाँ A लिख दिया, BC की जगह यहाँ A दिया है तो मैंने A लिख दिया, तो A का स्क्वायर हो गया मेरा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, AC² = AB² + BC² वही आ गया यहाँ पे, AC² = AB² + BC² वही हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू की साइन, 12 का स्क्वायर 144 प्लस A² = A². अब मुझे चाहिए क्या, A², तो बाकी की इन्फॉर्मेशन में इस तरफ ले जाऊँगा, जो चाहिए उसको एक साइड रखूँगा, बाकी का ट्रांसपोज कर दूँगा, तो यहाँ के इन दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन है, तो ये हो जाएगा, ये चले जाएगा LHS साइड। अब ये प्लस है इसलिए ये LHS जैसे जाएगा वो माइनस हो जाएगा, रूल ऑफ ट्रांसपोजर, रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग जो आपने सीखा है ऑलरेडी। तो 225 - 144 = A², क्योंकि ये इस तरफ चला गया तो माइनस हो गया। अब 225 - 144 होता है 81 = A², लेकिन मुझे A² नहीं चाहिए, मुझे A चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो रूट 81 का रूट निकालो तो क्या 9 9 9 81 होता है, तो A = 9, मतलब जो A चाहिए वो मुझे मिल गया 9 मीटर। तो देखो मैंने कैसे इस साइड का लेंथ निकाल लिया, जो ग्राउंड का था, जहाँ से ये सीढ़ियाँ थी वहाँ तक से ग्राउंड का मेजरमेंट इसमें ढूंढना था, वो मैंने निकाल दिया। तो इसी तरह ये पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको आगे बहुत काम आएगा जहाँ तक मैथ्स पढ़ोगे, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझना, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजना, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से वीडियो भेजूंगा। हाँ, इससे रिलेटेड सम है क्वेश्चन इस 6.5 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यही है, पाइथागोरस थ्योरम पर ही है। अब आपको ये आ गया तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो बहुत ईजी है, वो आप कर लोगे। तो नोटबुक में क्वेश्चन 4 तक आप तैयार रखना, सॉरी क्वेश्चन 3 तक तैयार रखना, बाकी के कुछ सम्स, इंपॉर्टेंट सम्स है इस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.5 में, उसका वीडियो मैं मंडे को भेजूंगा और उसके साथ वो चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, और उसके साथ S7 का जो कोर्स है हमारा वो भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल आपको ये स्टडी करना है और नोटबुक में लेना है, ये होमवर्क है, कोई डाउट हो तो भेजना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।